हेलो व्यूअर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के फील्ड्स को कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। तो जैसे कि आप स्टूडेंट एडमिशन में जाएँ, यहाँ से आप अपनी जो फील्ड हैं उनको कस्टमाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस तरह के एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, आप चाहते हैं कि इसमें से कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कैटेगरी या कास्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, या वेट एंड हाइट को रिमूव करना चाहता हूँ, स्टूडेंट हाउस को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, या इसमें मजीद कुछ फील्ड ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर CNIC नंबर या जो स्टूडेंट है उसका फॉर्म बे नंबर या नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि यहाँ पर सेमेस्टर का हो कि सेमेस्टर वन कौन से सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तमाम फील्ड्स को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। और अगर आप चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स में जाएं और यहाँ से आप स्टाफ डायरेक्टरी में से आप कोई न्यू स्टाफ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्टाफ, इनकी फील्ड को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ये फील्ड भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, स्टाफ आईडी, रोल है, डिजिनेशन है, डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, फोन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी जो स्टाफ है उसका आईडी कार्ड नंबर या उसका जो बाकी कुछ फील्ड वगैरह आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहते हैं तो उनकी फील्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फील्ड रिमूव करना चाहते हैं, जिस तरह के मदर नेम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो है वर्जन 5.0 में आपके पास अवेलेबल है ये ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिस्टम की सेटिंग में जाना है। सिस्टम की सेटिंग में जाने के बाद आपकी सिस्टम फील्ड, आपकी जो सिस्टम की फील्ड है जो भी ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है वो यहाँ पर आपको शो होगी। आप चाहते हैं कैटेगरी की फील्ड मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब तमाम फील्ड, जिस तरह यहाँ पर मदर, फोटो, इसको अनचेक करना चाहते हैं तो इसके अलावा बाकी रूट, रजिस्टर, डिटेल तमाम यहाँ पर शो हो रही हैं, तो आपको जो नहीं चाहिए उसको ऑफ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए, इसके तरह स्टाफ के लिए, यहाँ से आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर किसी एक को ऑफ करना, जिस तरह EPF नंबर, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं क्वालिफिकेशन या किसी और को, जिस तरह मदर नेम है, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। तो आप किसी भी फील्ड को ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो कैटेगरी की फील्ड ऑफ की थी वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी की फील्ड है थी जो कि अभी शो नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्जी की फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या तरीक़ाकार होगा, तो उसके लिए सिस्टम की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा कस्टम फील्ड के नाम से। तो आप अपनी फील्ड को कस्टमाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐड कस्टम फील्ड का ऑप्शन आ गया हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले फील्ड बिलोंग टू, फील्ड किस से बिलोंग करती है, स्टूडेंट से, स्टाफ से, मैं स्टूडेंट कर लेती हूँ। अब उसके बाद फील्ड की टाइप क्या होगी, फील्ड के यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप है, जिस तरह की इनपुट है, नंबर है, इसमें हमारे पास सिर्फ नंबर होगा, इस तरह टेक्स्ट एरिया, कोई कमेंट वगैरह के लिए जहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहाँ पर टेक्स्ट एरिया, इस तरह सेलेक्ट, दो तीन ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट करने के लिए।
उसमें से एक को सिलेक्ट करने के लिए, मल्टी सिलेक्ट मजीद एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स, ठीक है, डेट पिकर डेट के लिए डेट टाइम पिकर, कलर पिकर कलर पिकर करने के लिए जिस तरह आप चाहते हैं कि फेवरेट कलर कौन सा है तो उसके लिए कलर पिकर चूज कर सकते, इस तरह हाइपर लिंक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो लिंक। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया कर लेता हूँ, ठीक है, या इनपुट कर लेता हूँ। फील्ड का नेम देना चाहते हैं आप, उसका फील्ड का नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फील्ड का नेम देते रहता हूँ NIC/FarmBay, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो बूटस्ट्रैप का सेटअप है इसको आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 12 जो है वो आपकी फुल साइज की जो इनपुट फील्ड हो, ये देख सकते हैं आप, ये इनपुट फील्ड इसकी जो साइज होगी वो 12 जो है वो फुल यहाँ पर होगी। इसके अलावा ये जो हमारे पास फील्ड है इसकी साइज जो है वो 4 है, ठीक है, तो आप 4 सेट कर सकते हैं। फील्ड वैल्यू आप फील्ड डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरह फील्ड की वैल्यू दे देता हूँ। वैलिडेशन आप चाहते हैं कि ये वाली फील्ड लाजमी है तो इसको रिक्वायर्ड करते हैं। विजिबिलिटी टेबल में विजिबल करना चाहते हैं तो इसको ऑन टेबल करते हैं। सेव करते हैं तो आपके पास ये फील्ड सेव हो जाएगी। अब आप स्टूडेंट में आए यहाँ पर, ये देखें ये फील्ड हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। आप इसको एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट डिलीट कर सकते हैं। और अब मैं आ जाता हूँ अपने स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन में, तो मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में यहाँ से स्टूडेंट एडमिशन पे जाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो NIC या फार्म बे का नंबर जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फील्ड की साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। इस तरह 3 फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं तो आपकी, अगर इसका साइज 4 देंगे तो आपकी जो यहाँ पर 3 फील्ड ऐड हो सकेंगी। अगर आप इसका साइज 3 देंगे तो जिस तरह ऊपर है 4 फील्ड, तो आप इस तरह इसकी फील्ड को साइज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी साइज को चेंज करने चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो फील्ड है इनके साइज के मुताबिक हो, तो इसको मैं कस्टम फील्ड में जाता हूँ। कस्टम फील्ड में जाने के बाद स्टूडेंट पर क्लिक करें, यहाँ पर एडिट करें। अब मैं अपनी फील्ड को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ से इसका साइज 3 दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आए, स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करें। स्टूडेंट एडमिशन पे आने के बाद आपके पास ये देख सकते हैं आपके जो NIC का साइज छोटा हो गया है। इसकी मैं सेटिंग पे दोबारा इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, हमने इसकी वैल्यू 1 दी है, हमें 3 से इसकी वैल्यू 3 देनी थी तो 3 दूंगा, तो इसका साइज जो है जो बाकी की फील्ड हैं उनसे रिलेटेड होगा, उनके बराबर इसका जो साइज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पर, अब देख सकते हैं कि आपकी जो फील्ड है उनकी फील्ड से बराबर होगी। अब यहाँ पर आप इसमें इनपुट करना चाहते हैं फार्म बी को नंबर, उसको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से सिस्टम सेटिंग पे आएँ, कस्टम फील्ड पे आएँ और यहाँ से ऐड फील्ड करें। मैं स्टूडेंट फील्ड टाइप इनपुट, आप जो हमने पीछे एंटर किया उसके लिए आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड नेम मैं दे देता हूँ सेमेस्टर, ठीक है, और यहाँ पर आप इन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट, और इसका साइज भी मैं 3, फील्ड वैल्यू, ठीक है, आप फील्ड वैल्यू दे सकते चाहते हैं तो दे सकते हैं, फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड कामा फोर्थ, ठीक है। और इसको भी मैं रिक्वायर्ड करके सेव कर लेता हूँ तो हमारे पास एक दूसरी फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैं स्टूडेंट एडमिशन पे आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि आया हमारे पास सेमेस्टर ऐड हुआ है, तो बिल्कुल हमारे पास एक सेमेस्टर के लिए फील्ड ऐड हुई है। और इसमें जो इनपुट वैल्यू है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके अलावा 5th 6th 7th 8th, उसके लिए भी आप कामा दें और उसके बाद 5th 6th 7th 8th, तो इस तरह आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फील्ड को। और ये फील्ड
जब आपके स्टूडेंट की डिटेल में जाएंगे तो आपको यही फील्ड यहाँ पर आपको मिलेगी। जो भी स्टूडेंट होंगे उसकी टेबल में आपकी फील्ड को शो होगी, ठीक है। आप इसको स्टूडेंट के जो फील्ड है आप उसके फील्ड देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट के नेम, फादर नेम, इस तरह NIC नंबर चाहते हैं तो आप यहाँ टेबल में इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ऐड करना चाहते हैं फील्ड स्टाफ के लिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ विद स्टाफ के लिए, फील्ड टाइप में नंबर कर लेता हूँ यहाँ पर NIC, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है, और NICN कर लेता हूँ या जो भी आपका है, / पासपोर्ट, पासपोर्ट या जो भी नंबर है उसको, इसकी फील्ड भी 3, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड करके सेव कर लेता हूँ। अब ये फील्ड जो है हमारी स्टाफ के लिए क्रिएट हो जाएगी। मैं आप स्टाफ पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब आ जाएं आप ह्यूमन रिसोर्स में, स्टाफ डायरेक्टरी पे आए और यहाँ से ऐड स्टाफ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर जो फील्ड है, जो फील्ड हमने रिमूव की थी, जिस तरह की यहाँ पर मदर नेम, मदर पिक्चर था, वो हमने रिमूव किया इस तरह की, और यहाँ पर NIC या पासपोर्ट नंबर हमने यहाँ पर क्रिएट किया, और यहाँ पर नंबर के लिए इनपुट है तो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे आप अपनी जो फील्ड हैं उनको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मजीद फील्ड ऐड कर सकते हैं, फील्ड को उनमें से जो फील्ड हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला न्यू फीचर है उसको डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर